आज की इस वीडियो में हम आपसे पूछेंगे 12 इंटरेस्टिंग पजल्स, तो देखते हैं आप इनमें से कितने पजल सॉल्व कर पाते हैं। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर एक, इस बास्केट में रखे सामान को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन का सामान इस बास्केट के अंदर रखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए और जल्दी से अपना आंसर नीचे कमेंट करिए। दो नंबर के ऑप्शन का सामान ही इस बास्केट के अंदर रखा हुआ है। अगर तुम्हारा भी यही आंसर था तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। नंबर दो, अब इन दोनों इमोजीज को देखकर तुम लोगों को एक लड़के का नाम गैस करना है। क्या तुम बता सकते हो ये नाम कौन सा है? तो ध्यान से सोचो और जल्दी से अपना आंसर नीचे कमेंट करो। ये नाम है किशन। अगर तुम्हारा भी आंसर था फिर तो शाबाश। नंबर तीन, तुम लोगों को इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और बताना है कि इस पिक्चर में क्या गड़बड़ी है, यहाँ पर क्या गलत है। तो ध्यान से देखो और तुरंत अपना आंसर नीचे कमेंट करो। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। यहाँ पर लिखा है फ्रेश बुक, जो कि गलत है क्योंकि ये मीट की दुकान है। क्या तुम लोगों ने ये गलती पकड़ ली थी? अगर हाँ तो क्या बात है। नंबर चार, एक बच्चा अपने फैमिली के साथ टॉय खरीदने इस टॉय शॉप में जाता है और एक खिलौना खरीदकर इस शॉप से बाहर निकलता है। लेफ्ट हैंड साइड की तस्वीर बच्चे के खिलौना खरीदने से पहले की है और राइट हैंड साइड की तस्वीर खिलौना खरीदने के बाद की है। तो अब तुम लोगों को बताना है कि इस बच्चे ने इस शॉप से कौन सा खिलौना खरीदा है। तुम अपनी तेज आंखें दौड़ाइए और इसका आंसर नीचे कमेंट करिए। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। खरीदी है, अगर तुम्हारा भी आंसर था फिर तो राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। नंबर पाँच, इस पिक्चर को ध्यान से देखो और बताओ किस मच्छर को इन तीनों मेंढकों में से कौन से एक मेंढक ने पकड़ा है, ए ने, बी ने या फिर सी ने। तो अब देखते हैं क्या तुम इसका रास्ता ढूंढ पाते हो या नहीं। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। मच्छर को पकड़ा है इस सी मेंढक ने। अगर तुमने इसे सॉल्व कर लिया फिर तो तुम्हारी आंखें बाज जैसी एकदम तेज है। नंबर छह, इन सभी परछाइयों में से कौन सी एक परछाई इस रंगीन पिक्चर से मैच खाती है, क्या तुम लोग बता सकते हो? अगर हाँ तो इसका आंसर मुझे कमेंट करो। छह नंबर की परछाई इस पिक्चर से हूबहू मैच खाती है, अगर तुम्हारा भी आंसर था फिर तो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नंबर सात, इस पिक्चर में तीन गलतियां हैं और तुम लोगों को इन तीनों गलतियों को ढूंढ के निकालना है। तो अब देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है, क्या तुम लोग इस गलतियों को ढूंढ सकते हो या नहीं। तीनों गलतियां मिलते ही मुझे कमेंट में जरूर बताना। पहली गलती, यहाँ पर जूता रखा हुआ है। दूसरी, यहाँ पर ये आरी रखी हुई है। और तीसरी गलती, महात्मा गांधी की डेट ऑफ डेथ गलत है। अगर तुम लोगों ने इन तीनों गलतियों को ढूंढ लिया था फिर तो तुम्हारे लिए तालियां बजनी चाहिए। नंबर आठ, इन दोनों पिक्चर्स में तुम लोगों को पांच अंतर ढूंढने हैं। तो देखते हैं कि इन पांच अंतरों में से तुम लोग कितने अंतर ढूंढ पाते हो। तुम्हारा समय शुरू होता है अब।
पहला अंतर, इस जादूगर की नाक छोटी है। दूसरा, यहाँ पर ये मेंढक है। तीसरा, इस जादूगर की हैट लंबी है। चौथा, इस जादूगर की भी हैट लंबी है। और पांचवा, यहाँ पर स्टार नहीं है। अगर तुम लोगों ने भी इन पांचों अंतर को ढूंढ लिया था फिर तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। नंबर 9, चलिए अब ऑड वन आउट देखते हैं। इतनी सारी इमोजीज के बीच में एक इमोजी बिल्कुल अलग है, क्या तुम लोग उस अलग इमोजी को ढूंढ सकते हो? तो आप अपनी गिद्ध जैसी निगाहें दौड़ाओ और उस इमोजी को ढूंढ कर निकालो। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। वो एक अलग इमोजी यहाँ पर है। अगर तुमने ये इमोजी ढूंढ ली थी फिर तो नंबर 10, यहाँ पर तुम लोगों का थोड़ा ब्रेन टेस्ट करते हैं। ये पजल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है और तुम लोग इसे बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर तुम लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह इन 6 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। तो अब अपना दिमाग लगाइए और इसका आंसर नीचे कमेंट करिए। क्वेश्चन मार्क की जगह 4 नंबर का ऑप्शन आएगा। अगर तुम्हारा भी ये आंसर था फिर तो बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। नंबर 11, गाइस इस फोटो के राइट हैंड साइड में एक सील की फोटो बनी हुई है जो इस पिक्चर में कहीं छुपी हुई है। आपको सील को ढूंढ के निकालना है कि वो कहां पर है। तो देखते हैं क्या तुम लोग इस सील को ढूंढ पाते हो या नहीं। सील मिलते ही मुझे आंसर जल्दी से कमेंट करना। वो सील यहाँ छुपी है। अगर तुम लोगों ने इस सील को ढूंढ लिया था फिर तो साले चील की निगाह मेरी। और अगर नहीं तो नंबर 12, अब वक्त है तुम लोगों के मैथमेटिकल टेस्ट लेने का। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इजी है। यहाँ पर तुम लोगों के सामने माचिस की तीलियों से एक इक्वेशन लिखी हुई है। तुम्हें इनमें से किसी एक माचिस की तीली को उठाकर ऐसी जगह पर रखना है जिससे इक्वेशन बिल्कुल सही हो जाए। तो अब देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है, क्या तुम लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर हाँ तो जल्दी से मुझे आंसर नीचे कमेंट करो। ये वाली माचिस की तीली उठाकर यहाँ रख दी जाएगी और इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर तुम लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया था फिर तो अद्भुत अद्भुत। और अगर नहीं तो तुमसे ना हो पाएगा। तुम लोगों ने इनमें से कितने पहेलियों को सॉल्व कर दिया था मुझे कमेंट में जरूर बताना। इन पहेलियों को अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करो और देखो कि वो उसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। अगर तुम्हें हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।